वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, ये वीडियो मेरा इस साल का लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि कल से तो न्यू ईयर स्टार्ट है। एंड आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी 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 न्यू ईयर। एंड भगवान करे नए साल पे आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले, आपका ये साल इतना अच्छा जाए एंड हमारी यूट्यूब फैमिली और बड़ी होती जाए और हमारा नया साल हंसी खुशी निकले। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आज की वीडियो है क्या। तो गैस, आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स चैलेंज। एंड आप में से काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि डी 24 आवर्स तक मोमोज़ चैलेंज करो। हालांकि ये चैलेंज मैंने पहले भी किया है, लेकिन आप सब बोल रहे थे इसका पार्ट टू करो। तो इसलिए आज मैं आपके लिए आई ओनली एट मोमोज़ फॉर 24 आवर्स पार्ट टू लेकर आ गई हूँ। एंड इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक करना। एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैलेंज। एंड अभी टाइम हो रहा है, अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं एंड मेरा ब्रेकफास्ट हमेशा की तरह थोड़ा लेट हो गया है। एंड ब्रेकफास्ट में मैं खाने वाली हूँ फ्राइड मोमोज़, क्योंकि मुझे पता था सुबह सुबह मेरे आसपास कहीं भी मोमोज़ नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने रात से ही ऑर्डर कर लिए थे। अभी मैं जस्ट उसे फ्राई करके खा लूँगी। तो ये रहे मेरे फ्राइड मोमोज़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मोमोज़ हैं एंड ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। एंड गाइज, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं ट्राई करूँगी कि मैं मोमोज़ की हर वेराइटी खाऊँ। जितनी मेरे से हो पाएगी उतनी मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करूँगी, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड अगर मेरी तरह आपके भी मोमोज़ फेवरेट हैं तो इस बात पे एक लाइक कर दो। एंड अब मैं स्टार्ट करती हूँ खाना। काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है। ये मोमोज अच्छे से फ्राई नहीं हुए थे, कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गए थे। अभी तो कुछ खास मज़ा नहीं आया मुझे। अभी देखते हैं पूरा दिन कैसा निकलता है, कुछ अच्छा खाने को मिलता है या नहीं। तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ लंच पे, तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, तो अभी आई हूँ मैं लद्दाख के फेमस चिकन मोमोज खाने। एंड लद्दाख के फेमस मोमोज खाने के लिए मुझे लद्दाख नहीं जाना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे जम्मू में एक शॉप खुली है जिसका नाम है आई लव लद्दाख। एंड यहाँ पे काफ़ी टेस्टी मोमोज मिलते हैं, हालांकि मैंने यहाँ से अब तक खाए नहीं है, सिर्फ सुने हैं यहाँ के मोमोज की तारीफ। तो अभी मैंने ऑर्डर करे हैं चिकन मोमोज। एंड यहाँ पे मतलब जैसे इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट किया है, काफ़ी सुंदर है, मतलब फील आती है लद्दाख वाली। तो बस अभी वेट कर रही हूँ मोमोज़ का, अभी मोमोज़ आएंगे फिर मैं आपके सामने आपको खाकर बताऊंगी कि यहाँ के मोमोज़ सच में उतने टेस्टी हैं या सिर्फ नाम है। तो बस अभी मैं मिलती हूँ आपसे कुछ ही देर में। यम्मी गाय, कितने ज़्यादा टेस्टी हैं सच में, जितना इसका नाम है उतना ये टेस्टी भी है। तो गाइस, अभी हो गया मेरे स्नैक्स का टाइम। एंड स्नैक्स में मैंने काफ़ी कुछ ऑर्डर कर लिया है, क्योंकि मैंने सोचा कि जो जो वेराइटीज़ रह गई है मोमोज़ की वो मैं जल्दी जल्दी कवर कर लूँ, क्योंकि फिर इसके बाद तो सिर्फ डिनर ही रह गया और डिनर में मैं इतना ज़्यादा खाती नहीं हूँ। तो इसीलिए अभी मैंने स्नैक्स में ऑर्डर करे हैं ये चिली मोमोज़ एंड पनीर मोमोज़ एंड ये है अफ़गानी मोमोज़, क्योंकि पार्ट वन में मुझे अफ़गानी मोमोज़ इतने ही यम्मी लगे थे। लेकिन मैंने ये उस वाली जगह से ऑर्डर नहीं किए हैं, क्योंकि वहाँ पे चिली मोमोज़ और पनीर मोमोज़ नहीं मिल रहे थे मुझे, इसलिए मैंने किसी दूसरी जगह से ऑर्डर किए हैं। एंड इस जगह से मैं फ़र्स्ट टाइम मोमोज़ खा रही हूँ, तो देखते हैं कि ये कैसे हैं। एंड अभी ये मोमोज़ ठंडे हो रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी से खाना स्टार्ट करती हूँ।
तो सबसे पहले मैं ये स्टीम पनीर मोमो से स्टार्ट कर रही हूँ। इसके अंदर स्टफिंग तो काफ़ी काफ़ी भर भर कर की है इन्होंने, एंड इनकी ये जो रेड चटनी है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा थिक लग रही है मुझे, काफ़ी ज़्यादा मिर्ची हो गई आई थिंक। काफी टेस्टी है। पनीर मोमो तो काफी ज्यादा ही यम्मी है, इनको तो मैं 10 out of 10 दूंगी। तो अभी मैं चिली मोमोज ट्राई कर रही हूँ, काफी बड़े मोमोज हैं। एंड इसके साथ मैं ये मिंट सॉस लगा रही हूँ। चिली मोमोज भी यम्मी हैं, लेकिन इनको मैं दूंगी 8 out of 10, क्योंकि इससे अच्छे वाले चिली मोमोज मैंने पहले खाए हैं, तो ये मुझे उसके मुकाबले थोड़े कम लगे, इसलिए मैं इनको 8 out of 10 देती हूँ। वैसे मुझे रेटिंग करने के लिए किसी ने बोला नहीं है, ये तो मोमोज ईटिंग चैलेंज है, मैं खुद से रेटिंग करी जा रही हूँ। तो अब मैं ये ट्राई करने वाली हूँ अफगानी मोमोज, जो कि देखने में तो काफ़ी यम्मी लग रहे हैं। इसकी ये जो क्रीम है ना, ये आज खट्टी लग रही है मुझे, एंड ये उतने टेस्टी नहीं है जो मैंने फर्स्ट टाइम खाए थे पिछली वीडियो में, जो मैंने पार्ट वन किया था। अफगानी मोमोज तो मैं 2 out of 10 दूंगी, ये मुझे बिल्कुल टेस्टी नहीं लगे। तो अब मैं पनीर मोमोज खा लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि स्टीम मोमोज ठंडे होकर फिर अच्छे नहीं लगेंगे। तो गाइस इन्हें मैं आराम से ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि इन्हें खाने में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ सीधा डिनर पे, तो तब तक के लिए बाय बाय। हे एवरीवन, तो गाइस आज मैंने पूरा दिन मोमोज खाए, लेकिन मैं अपने फेवरेट मोमोज अपनी फेवरेट जगह से कैसे स्किप कर सकती थी, वो भी मोमोज ईटिंग चैलेंज में। तो इसीलिए अभी डिनर करने में आई हूँ साईं, ये हमारे घर के पास है, काफ़ी ज़्यादा हाँ काफ़ी ज़्यादा यम्मी होते हैं यहाँ के मोमोज़। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे आई हूँ मोमोज खाने, एंड मैंने पूरा दिन काफ़ी अलग अलग वैरायटी के मोमोज खाए। तो अभी मैं स्टीम वेज मोमोज खाने वाली हूँ, एंड मेरे मोमोज भी आ गए हैं। मैंने एक प्लेट वेज मोमोज ऑर्डर किए थे, क्योंकि मैंने पूरा दिन सिर्फ ये वेज मोमोज नहीं खाए, वो भी अपने फेवरेट, बाकी मैंने सारे मोमोज खा लिए थे ऑलमोस्ट। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ खाना, अभी गर्म है काफ़ी। इनकी चटनी काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होती है, लेकिन साथ ही काफ़ी ज़्यादा यम्मी भी होती है। मुझे मोमोज के साथ स्पाइसी चटनी ही पसंद है, सभी को आई थिंक स्पाइसी पसंद होती है।
पानी डाल दे। तो बस गाइस आज का चैलेंज यहीं पे ख़त्म होता है। एंड अगर आपने इस चैलेंज को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।